खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। इन चुनावों में पश्चिम बंगाल हर बार सुर्खियों में गलत वजह से ही रहा है और इस बार भी वजह वही है, हिंसा। पश्चिम बंगाल को बीजेपी ने एक चैलेंज की तरह ले लिया है और इसी चैलेंज को पूरा करने के लिए आज अमित शाह ने रोड शो किया। रोड शो खत्म होता उससे पहले ही टीएमसी और बीजेपी का कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, खून खराबे तक माहौल पहुंच गया, आगजनी हुई। पहुंचना तो अमित शाह को विवेकानंद के घर पर था लेकिन रोड शो को बीच में रोकना पड़ गया। अमित शाह ने एबीपी न्यूज से सबसे पहले बात की और बताया कि आखिर हुआ क्या। कोलकाता में अमित शाह के रोड शो में जबरदस्त हंगामा। बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में टकराव। रोड शो के दौरान शुरू हुआ पथराव। हम यहाँ पर जा रहा है गैली में, वो ये ठेका था, मेरा माथा फाड़ के देखिए पूरा। क्या गुंडराज है, क्या गुंडराज है। अभी यहाँ से कुछ लोग टीएमसी समर्थित, सीपीएम समर्थित कहने तथा कथित छात्र हैं, यहाँ से ईट, बोतल और फ्लैग, ब्लैक फ्लैग यहाँ से दिखा रहे थे और ईट फेंक रहे थे। हंगामे के बीच आगजनी। हम इस समय खड़े हैं कोलकाता यूनिवर्सिटी के विद्यासागर कॉलेज के गेट पे और ये देखिए आप यहाँ पे बाइकें जलाई गई हैं, चूंकि थोड़ी देर पहले इधर से अमित शाह का रोड शो चल रहा था और अमित शाह यहाँ से अपने कार्यकर्ताओं के साथ रोड शो करते हुए जा रहे थे और इसी दौरान ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ टीएमसी छात्र संघ के कुछ छात्र संगठन के लोगों ने उस रोड शो के दौरान पत्थरबाजी की और उसके बाद रिएक्शन में तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने यहाँ पे मारपीट हुई है। दोनों तरफ से भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के लोग आमने सामने हो गए। टीएमसी जो छात्र यूनियन के लोग हैं वो आमने सामने हो गए और उसके बाद लगातार झड़प शुरू हो गई, पत्थरबाजी शुरू हो गई और आगजनी हो गई। कुछ लोगों ने यहाँ पे जो बाइकें खड़ी थी उसमें आग लगा दी। आप लोग स्टूडेंट यूनियन से भी हैं? किस टीएमसी स्टूडेंट यूनियन एंड यूनिट, हम लोगों का जनरल सेक्रेटरी, यूनिट प्रेसिडेंट, हम सब लोग यहाँ पर खड़ा था, गेट लॉक था, वो लोग अंदर आए, सीआरपीएफ वहाँ पर देख रहे थे, हम लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे आप कुछ कीजिए, पर उर्फ लोगों ने कुछ भी नहीं किया। ये कुछ गाड़ियाँ हैं आप देख सकते हैं, साइकिल, मोटरसाइकिल, कई इसमें मोटरसाइकिल हैं, करीब दो से तीन मोटरसाइकिल और स्कूटर है, एक स्कूटर, दो मोटरसाइकिल और एक साइकिल, इन सबको जला दिया गया था। क्या क्या घटना हुआ था, जरा हिंदी में बताएं। हम लोग गो बैक अमित शाह, जस्ट एक मैंने प्लेकार्ड था वही दिखा रहे थे बस और कुछ नहीं। हाँ 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 बस वही तो हम लोग अंदर से कर रहे थे। ये तो देखिए, ये तो रहना चाहिए ना लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, ये तो गणतांत्रिक जो है, हम लोग को तो ये थोड़ा सा मिलना चाहिए फैसिलिटी, तो हम लोग अंदर में कर रहे थे समर्थन, लेकिन उनसे वहाँ से आके ये लोग, लड़का लोग सारा आके इधर से आया। विद्यासागर का कॉलेज है तो विद्यासागर का पूरा मूर्ति तोड़ा, कॉलेज का बहुत सारा, बहुत स्टाफ रूम में पूरा तहस नहस कर दिया है, हम लोग लड़की को मारा है, लड़का को मारा है, पूरा खून निकल रहा है। तो जैसा कि नजदीक से जानकारी लगी कि जो पत्थरबाजी हुई वो दोनों तरफ से हुई है, इधर से भी हुई है, उधर से भी हुई है, दोनों तरफ से क्लैश हुआ है। पत्थरबाजी पहले कॉलेज की तरफ से हुई है, कॉलेज की तरफ से पत्थर फेंके गए, उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने रिएक्शन के रूप में यहां अंदर घुसे और उन्होंने स्टूडेंट के साथ मारपीट। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का रोड शो निकल रहा था। जैसे ही उनका काफिला कोलकाता के विद्यासागर कॉलेज के पास से गुजरा तो अचानक हंगामा शुरू हो गया कि कॉलेज के अंदर से टीएमसी कार्यकर्ताओं ने रोड शो को निशाना बनाना शुरू किया।
उन्होंने दो जगह पे रोड पे हमला करने का प्रयास किया और हमारे कार्यकर्ताओं को लगा भी है प्रकार का जघन्य कृत्य किया गया। मेरी तो समझ में नहीं आता बंगाल में डेमोक्रेसी किस तरह से चल रही है। मुझे तो कुछ नहीं हुआ है परंतु दो जगह पे बड़ी मात्रा में तृणमूल के कार्यकर्ता ने हमला करने का प्रयास किया था। लाखों की भीड़ एक और रोड शो में थी और ममता दीदी हिंसा कराने का प्रयास कर रही। अभी रोड शो समाप्त हुआ मुझे रोक दिया गया कि यहाँ से आगे परमिशन नहीं है। मेरी गाड़ी और दिशा में मोड़ दी गई ट्रैफिक अब जाम हो गया। मुझे विवेकानंद जी के घर पर श्रद्धांजलि देने का भी मौका नहीं दिया गया और पुलिस मुझे बाहर लेकर निकल गई। कोई मेडिकल कॉलेज के अंदर से अचानक कुछ टीएमसी के लोग काले झंडे और टीएमसी के झंडे लेकर बाहर आए। इनके हाथ में कुछ आगजनी जलाने वाले पदार्थ थे वो फेंकने लगे। पुलिस मुख दर्शक बनकर खड़ी है। पुलिस ने कुछ नहीं किया। हमारे कार्यकर्ता और टीएमसी के गुंडों के बीच में भिड़ंत हुई और बाद में आगजनी हुई। इस हंगामे के बीच आगजनी और अफरा तफरी मच गई। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई। वहीं भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अमित शाह का रोड शो विवेकानंद हाउस पर खत्म होना था लेकिन इस हंगामे के बाद रोड शो पहले ही खत्म कर दिया गया। इससे पहले आज सुबह तब भी बवाल हुआ जब रोड शो से पहले बीजेपी के पोस्टर और होर्डिंग हटाए गए। प्रशासन के मुताबिक ये पोस्टर इसलिए हटाए गए क्योंकि वो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे थे लेकिन बीजेपी ने इसके लिए भी टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है। जिस तरह की भीड़ अमित शाह के रोड शो में थी वो दीदी को परेशान कर सकती है और शायद यही वजह है कि कानून व्यवस्था के नाम पर दीदी लोकतंत्र पर हमला कर रही है। बताइए ऐसा दूसरे राज्यों में क्यों देखने को नहीं मिलता है जहां पर विपक्षियों की रैली को या उनके रोड शो को रोक दिया जाए वो भी कानून व्यवस्था के नाम पर। ये बताता है कि दीदी को कहीं ना कहीं बीजेपी का डर सता रहा है और इसीलिए वो मुद्दों पर नहीं लड़ रही है चुनाव। वो लोकतंत्र को एक बार फिर से जख्मी करने की कोशिश करती यहां पर नजर आई है और इसीलिए मास्टर स्ट्रोक दीदी से एक सवाल। मुद्दे पर गई हार इसीलिए रैलियों पर प्रहार।